हेलो एवरीवन वेलकम टू ब्रेन इंजीनियर्स जैसे कि हम यू पी ट्रिपल एस सी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए एग्रीकल्चर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के दो पार्ट डिस्कस कर चुके हैं आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर थ्री देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन बिटर पिट अ स्टोरेज डिसऑर्डर ऑफ एप्पल इज़ ड्यू टू डेफिशेंसी ऑफ बिटर पिट इन एप्पल डेफिशिएंसी के कारण होता है ऑप्शन ए कैल्शियम ऑप्शन बी मैग्नीशियम ऑप्शन सी नाइट्रोजन या फिर ऑप्शन डी पोटाशियम ऑप्शन ए कैल्शियम नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रोथ इनहिबिटर इनमें से कौन सा हार्मोन ग्रोथ इनहिबिटर का काम करता है ऑक्सिन साइटोकाइनिन एप्सिक एसिड या फिर जिब्रेलिक एसिड आंसर इज ऑप्शन सी एप्सिस एसिड ए बी ए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों क्वीन ऑफ हनी बी फीड्स ऑन एक पूरी कॉलोनी में हनी बी की एक ही क्वीन होती है और वो किसके ऊपर फीड करती है सिक्रीशन ऑफ हाइपोफ्रेंजियल ग्लैंड्स या फिर सिक्रीशन ऑफ वैक्स ग्लैंड ऑप्शन सी इज सिक्रीशन ऑफ स्टिंग या फिर ऑप्शन डी हनी एंड पोलन क्वीन ऑफ हनी बी फीड करती है सिक्रीशन ऑफ हाइपोफ्रेंजियल ग्लैंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन ब्राउन हार्ट इन रेडिश एंड क्राउन चौकिंग इन कोकोनट इज़ ड्यू टू डेफिशियसी होफ़ हमारी हर रोज की वीडियोस में ही ये डेफिशिएंसी वाले क्वेश्चन ज़्यादातर हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं एग्जाम में ऑप्शन ए बोरोन ऑप्शन बी फास्फोरस ऑप्शन सी जिंक या फिर ऑप्शन डी कैल्शियम आंसर इज ऑप्शन ए बोरोन नेक्स्ट क्वेश्चन विच प्रेजरवेटिव इज यूज फॉर कलर्ड यूसज कलर्ड यूस जूसेज के लिए कौन सा प्रजर्वेटिव यूज़ किया जाता है ऑप्शन ए सोडियम बेंजोएट ऑप्शन बी के एम एस ऑप्शन सी विनेगर या फिर ऑप्शन डी पोटाशियम बेंजोएट आंसर इज ऑप्शन ए सोडियम बेंजोएट नेक्स्ट क्वेश्चन लीव कलर चार्ट कैन बी एन इम्पॉर्टेंट टूल इन लीफ कलर चार्ट क्या होता है कि जैसे कि नाइट्रोजन एप्लीकेशन करते हैं किसी भी क्रॉप में यूरिया की फॉर्म में ज़्यादातर नाइट्रोजन अप्लाई किया जाता है तो लीव कलर चार्ट के ऊपर क्या है आ, डिफरेंट डिफरेंट शेड्स बने होते हैं ग्रीन कलर के जिसके अकॉर्डिंगली क्या है जज किया जाता है उसको लीवस के कलर के साथ मैच किया जाता है कि कितने शेड uh, के ऊपर हमें नाइट्रोजन एप्लीकेशन करने की ज़रूरत है सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल इन ऑप्शन ए शिफ्टिंग कल्टिवेशन ऑप्शन बी पर सीजन फार्मिंग ऑप्शन सी ड्राई लैंड फार्मिंग या फिर ऑप्शन डी मिक्सड फार्मिंग आंसर इज ऑप्शन बी पर सीजन फार्मिंग नेक्स्ट क्वेश्चन पी जी क्या होते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट आर कॉल्ड एज इन्हें क्या बोला जाता है ऑक्सिन साइटोकाइनिन ये तो खुद ही एक हॉर्मोन्स हैं ऑप्शन सी फाइटो हॉर्मोन या ऑप्शन डी जिब्रलिन बहुत ही आंसर है अगर हम एलिमिनेशन मेथड से भी करें तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी फाइटो हॉर्मोन्स नेक्स्ट क्वेश्चन टर्म यूज्ड फॉर बिच्योर्ड हॉर्स मेच्योर्ड हॉर्स के लिए कौन सी टर्म यूज़ की जाती है ऑप्शन ए फोल ऑप्शन बी स्टैलियन ऑप्शन सी गैल्डिंग या फिर ऑप्शन डी मेयर आंसर इज ऑप्शन बी स्टैलियन नेक्स्ट क्वेश्चन पॉपुलर टिश्यू कल्चर वैरायटी ऑफ बनाना इज बनाना की टिश्यू कल्चर वैरायटी के लिए कौन सी वैरायटी जो है पॉपुलर है ऑप्शन ए और होबस्टा ऑप्शन बी ग्रैंड नैने ऑप्शन सी डॉ कैवेंडिश या फिर ऑप्शन डी बस्राय आंसर इज ऑप्शन बी ग्रैंड नैने नेक्स्ट क्वेश्चन द एंजाइम इन्वॉल्व इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन सा इंजाइम है जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आता है ऑप्शन ए राइजोबियम ये तो एक बैक्टीरिया है ये एलिमिनेट हो गया ऑप्शन बी अजोटोबैक्टर ये भी एक ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया है ऑप्शन सी नाइट्रोजिनेस या फिर ऑप्शन डी नाइट्रोसोमनास सो इसका आंसर है ऑप्शन सी नाइट्रोजिनेस नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज़ रिलेटिव प्योरिटी और स्ट्रेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल कलर ये नेमरा सुंडा बुक से सीधा क्वेश्चन आया हुआ है ऑप्शन ए ह्यू ऑप्शन बी लाइट ऑप्शन सी क्रोमा या फिर ऑप्शन डी वैल्यू इसका आंसर है ऑप्शन सी क्रोमा नेक्स्ट क्वेश्चन आर के वी वाई राष्ट्रीय कृषि विकास योजना स्कीम वॉज लॉन्च इन द ईयर ये कब लॉन्च की गई थी टू थाउजेंड फिफ्टीन टू थाउजेंड एटीन टू थाउजेंड सेवन या फिर टू थाउजेंड टू इसका आंसर है ऑप्शन सी टू थाउजेंड सेवन नेक्स्ट क्वेश्चन अम्बलिका फीसिनेलिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ये किसका साइंटिफिक नेम है ऑप्शन ए जैक फ्रूट ऑप्शन बी स्पोटा ऑप्शन सी बेर ऑप्शन डी ओलला आंसर इज ऑप्शन डी ओलला नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट के वी के वॉज इस्टेब्लिश इन द ईयर सेवेंटी फोर एट फर्स्ट केवी के कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था ऑप्शन ए नागपुर ऑप्शन बी पाण्डिचेरी ऑप्शन सी चेन्नई ऑप्शन डी उत्तराखंड आंसर इज ऑप्शन बी पाण्डिचेरी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉइल हेल्थ कार्ड विद द टैगलाइन ऑफ स्वस्थ धरा खेत हरा वॉज लॉन्च ऑन सॉइल हेल्थ कार्ड कब लॉन्च किया गया था पी एम नरेंद्र मोदी द्वारा ये तो क्लियर है कि 2015 में लॉन्च किया गया था अब हमें यहाँ पर याद करनी है इसकी डेट टू वाले 15 वाले दो ऑप्शन है ऑप्शन ए 19 फ़रवरी, फेबररी 2015 या फिर ऑप्शन सी 26 जनवरी 2015। इसका आंसर है ऑप्शन ए 19 फ़रवरी 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटरमाइन एडल्ट्रेशन ऑफ वाटर कंटेंट इन इज़ ठीक है फैट कंटेंट ऑफ मिल्क अगर हम देखना चाहें ऐसे भी बोल सकते हैं तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर ये तो विंड स्पीड बताता है ऑप्शन बी हाइग्रोमी सॉरी हाइड्रोमीटर विंड स्पीड नहीं बताता एनीमोमीटर uh, बताता है वो ऑप्शन ए है हाइड्रोमीटर ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर ऑप्शन सी एनीमोमीटर ऑप्शन डी इलेक्ट्रोमीटर सो मिल्क की जो अडल्ट्रेशन है या मिल्क की फैट परसेंटेज है ये बताता है इलेक्टोमीटर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन लूज मट ऑफ वीट इज लूज मट ऑफ वीट इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज है एक्सटर्नली सीड बॉर्न डिजीज़ है एयर बोर्न है या सॉइल बॉर्न है इट इज़ इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज इसीलिए जो है इसका जो है सी ट्रीटमेंट किया जाता है सोइंग के से पहले क्योंकि ये सीड बॉर्न डिजीज़ है ठीक है ये याद रखना है लूज मट ऑफ वेट इज इंटरनली सीड बॉन्ड डिजीज नेक्स्ट क्वेश्चन पेरीला इज इंसेक्ट पेस्ट ऑफ क्रॉप पेरीला किस क्रॉप का इंसेक्ट पेस्ट है ऑप्शन ए शुगर केन ऑप्शन बी ग्राम ऑप्शन सी मस्टर्ड ऑप्शन डी पोटैटो आंसर इज ऑप्शन ए शुगर केन और पायरीला का साइंटिफिक नेम क्या होता है पायरीला परफ्यूसीला next question national agriculture technology project was started in the year option a 1994 option b 2001 option c 1998 here yeah, option d 1991 answer is option c 1998 next question minimum isolation distance for wheat barley rice groundnut and soybean फाउंडेशन सीड इज़ डैश मीटर जब फाउंडेशन सीड बनाया जाता है वीट पार्ले राइस ग्राउंडनेट एंड सोयाबीन का तब आइसोलेशन डिस्टेंस कितना होता है ऑप्शन ए टेन मीटर ऑप्शन बी ट्वेंटी फाइव मीटर ऑप्शन सी फिफ्टी मीटर या ऑप्शन डी थ्री मीटर आंसर इज ऑप्शन डी थ्री मीटर ये थे हमारे आज के ट्वेंटी क्वेश्चन होप करते हैं कि ये जितनी भी वीडियोज़ हम डाल रहे हैं आपके प्रेपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी